एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन दो तरह से बनता है, एक होता है कोडिंग के जरिए और दूसरा होता है नॉन कोडिंग। अगर आपको कोडिंग की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के माध्यम से एक अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोडिंग की जानकारी नहीं है तो आप वेबसाइट के माध्यम से एंड्रॉयड एप्स बना सकते हैं और एंड्रॉयड एप्स बना के आप उससे अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट के माध्यम से बिना कोडिंग की जानकारी के आप किस तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर गूगल में सर्च करना है एप मेकर। एप मेकर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एप के बाद एम ए के आर, के बाद सिर्फ आर आपको लगाना है यहाँ पर और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए हाउ टू मेक एन ऐप फॉर आईफोन एंड एंड्रॉयड, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए ये ऐप मेकर का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको देखिए नीचे आपका अगर पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉग इन और एडिट कर सकते हैं। अगर आप शुरू में पहला बार है आपका तो आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का नाम लिखिए, जैसे कि मैं हिंदी टेक्निक लिखता हूँ, हिंदी टेक्निक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपके एप्लीकेशन का नाम होगा। इसके बाद गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन मांगेगा। यहाँ पर लॉगिन के लिए चार ऑप्शन है, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, याहू। तो आप इन चारों में से किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं गूगल से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ये पब्लिशर डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पर आपको क्रिएट ए न्यू ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए प्लीज चूज ए नेम फॉर योर न्यू ऐप, आपको यहाँ पर फिर से अपना एप्लीकेशन का नाम चूज करना है। यहाँ पर देखिए ये मेरा नाम हो गया ब्रिजेश यादव, ये मेरा ईमेल आईडी और ये हो गया एप्लीकेशन का नाम। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आप कौन सा किस तरह का एप्स बनाना चाहते हैं, ये उसकी कैटेगरी है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस हो गया, टीम, चर्च, वर्क ग्रुप, एम्प्टी, ये खाली है यहाँ पर, ये मतलब कि आप जो चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर किसी जैसे कि स्टोर या फिर ऐसा रेस्टोरेंट, स्कूल, बैंक, इस तरह का कोई बनाना चाहते हैं तो ये जो है रेडीमेड टेम्पलेट है, आप इसके जरिए बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है एक यहाँ पर क्लीन लेता हूँ एमपीटी, इस पर सेलेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये जो सामने आपका ये डैशबोर्ड दिख रहा है, इसमें जो ये लेफ्ट साइड में है ये आपका टूल्स हो गया, और जो बीच में है ये आपका लाइव प्रीव्यू है, और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन एडिट का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये नीचे यहाँ पर आपको क्लिक करके ये आपका स्टार्टअप स्क्रीन रहेगा, मतलब मोबाइल एप्स पर क्लिक करते ही जो पहला इमेज आएगा वो ये इमेज रहेगा, आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद ये बैकग्राउंड है, आप यहाँ से देखिए कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको चूज करता हूं। ये देखिए ये नीला बैकग्राउंड हमने चूज कर लिया है, फिलहाल मुझे नहीं जम रहा है, मैं फिर से चूज करता हूं। ये ठीक रहेगा, ये देखिए मैंने हरा बैकग्राउंड यहां से चूज कर लिया है। ये जो है इस ऑप्शन से आप जो है स्टार्टअप स्क्रीन इमेज और होम स्क्रीन का बैकग्राउंड इमेज यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो बीच का ऑप्शन है ये आप मेनू स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे फिलहाल ये मेनू में इस तरीके से डिफॉल्ट है, आप चाहें तो ऐसा चूज कर सकते हैं जो इस तरीके से आएगा, या फिर ऐसा चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं डिफॉल्ट वाला ही लेता हूँ। और ये देखिए ये जो थर्ड है यहाँ पर आपको अपना ये यहाँ पर देखिए दो जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं माई ब्लॉग और कॉन्टेक्ट, इसमें किस तरीके से लिखा हुआ आएगा ये दिखा रहा है, ठीक इसी तरीके से आएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए, अब आपको ये कॉमन फंक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और भी फंक्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे कि सोशल फीड, न्यूज एंड ब्लॉग, फोटो, वीडियो, कॉन्टेक्ट, लोकेशन, इवेंट, फूड, म्यूजिक, स्पोर्ट। तो ये जो है ये कैटेगरी है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज एंड ब्लॉग में आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे माई ब्लॉग लिखा हुआ है, तो अगर आपका कोई ब्लॉग है आप उसका यहाँ पे URL दे सकते हैं। तो आपको इस माई ब्लॉग पर ऐसा माउस से क्लिक करके इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लाना है और यहाँ पर छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में यहाँ माई ब्लॉग है, तो आप अपने ब्लॉग का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। यहाँ पर अपने ब्लॉग का नाम लिख दीजिए आप। इसके बाद आपके ब्लॉग का ये जो, अगर आपको जो ये आइकॉन है, अगर ये आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये सारे ढेर सारे आइकॉन हैं ब्लॉग के, इनमें से जो आपको पसंद आता है वो आइकॉन आप रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको चूज किया, तो ये देखिए यहाँ पर आइकन चेंज हो गया है। और ये जो है ये बैकग्राउंड है, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं कि आपका ब्लॉग जब ओपन होएगा तो उस समय बैकग्राउंड कौन सा रहे दिखेगा। तो फिलहाल मैं इसे चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ब्लॉग हो गया, ब्लॉग का नेम हो गया, और यहाँ पर आपको RSS फीड लिंक देना है आपके ब्लॉग का। इसके बाद ही जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो आपका ब्लॉग ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया सोशल फीड, ट्विटर और फेसबुक। अगर आप फेसबुक, अपना फेसबुक इसमें डालना चाहते हैं, जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लाइए। इसके बाद यहाँ पर आप जो है अपने पेज का या फिर फेसबुक अकाउंट का URL दीजिए। यहाँ से आप फेसबुक का ये आइकॉन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं कोई भी। फिलहाल मैं कोई एक बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ, इसको चूज किया, ये फेसबुक का बैकग्राउंड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फेसबुक का URL यहाँ पर देना है, जैसे कि फिलहाल मैं अपने फेसबुक पेज का दे देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप अपना ये देंगे URL यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर ये www नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया फेसबुक, और ट्विटर डालना है तो ट्विटर को भी आप ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाइए यहाँ पर, और यहाँ राइट साइड में ट्विटर यूजर नेम यहाँ डालना है, और यहाँ पे कुछ जो नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ के जो ये मेनू में जितने भी टूल्स हैं उन सबको इसी तरीके से आप जो है ला सकते हैं। जैसे कि म्यूजिक अगर डालना चाहते हैं तो म्यूजिक को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लाइए। इस तरीके से आप इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें जितने भी टूल्स में ऑप्शन हैं उन ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और उसे अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। लाइव चैट डालना है तो यहाँ से आप लाइव चैट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको चूज कीजिए। चूज करने के बाद, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद, आप इसको ये यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का जो है इस पर आपको क्लिक करना है। ग्रीन कलर का है, इस पे देखिए मैंने दो बार क्लिक किया क्योंकि पहली बार क्लिक करने पे एक वीडियो चलने लगता है, तो आप बैक जाकर के वापस से फिर से क्लिक करेंगे तब ये ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए पहला है प्रोजेक्ट टाइटल, यहाँ पर देखिए ये एप्स का टाइटल है जैसा कि मैंने डाला था हिंदी टेक न्यूज। इसके बाद ये जो है वेब एड्रेस है, हमारे एप्स का वेब एड्रेस है। तो इसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको, तो फिलहाल सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर पिक योर वेब डोमेन, यहाँ से आप कोई भी वेब डोमेन चूज कर सकते हैं, तो फिलहाल द एप डॉट मूवी ही ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर चूज ऐप आइकन, यहाँ पर आपको ऐप का आइकन चूज करना है, जैसे कि यहाँ पर अभी ऐप मेकर दिख रहा है,
तो ये अभी आप मैंने चेंज नहीं किया है इसलिए दिख रहा है। तो आप यहाँ पर अगर आपके पास कोई लोगो है आपका, तो आप यहाँ से उसे इंपोर्ट करके तो डाल सकते हैं, या फिर फ्री लाइब्रेरी से आप कोई भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, आप किस बारे में एप्स, आपका एप्स किस बारे में है उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद राइट ए वेलकम मैसेज, यहाँ पर आप जो है आपका एप्लीकेशन जैसे ओपन होएगा तो कोई वेलकम वेलकम मैसेज आप लिखना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। एड सम एडिशनल इन्फो, यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फो अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। एड सम टैग्स, यहाँ पर आप टैग ऐड टैग कर सकते हैं, मतलब कि आपका एप्लीकेशन जो है किस बारे में है, जैसे कि अगर कोई हेल्थ टिप्स के बारे में है या टेक्नोलॉजी के बारे में है तो आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी को ऐड टैग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टैग किया, टैग के बाद ऐड टैग पर क्लिक कीजिए तो ये टैग जो है यहाँ पर टैग में ऐड हो जाता है। जैसे कि जब कोई आपके एप्लीकेशन को सर्च करेगा टेक्नोलॉजी से संबंधित तो आपका एप्लीकेशन वहां पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर पब्लिश कैटेगरी है, आपका एप्लीकेशन किस बारे में है यहाँ पर आप चूज कीजिए। फूड है, हेल्थ है, आर्ट एंड फैशन, ब्लॉग, तो जिसके बारे में आपका ये एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर आप चूज कीजिए। और इसके बाद सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसा कि फिलहाल मेरे यहाँ फर्स्ट नेम है ब्रिजेश और लास्ट नेम है यादव और ये है ईमेल आईडी। तो आप अपना यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। इसके बाद सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक में आपको यहाँ पर चूज करना है एशिया, अगर आप भारत में है तो आपको एशिया चूज करना है, और कंट्री में आपको इंडिया चूज करना है, और जिस स्टेट में आप रहते हैं भारत के उस स्टेट को यहाँ से चूज करना है, और यहाँ पर पोस्टल कोड डालना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो आप हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो है सबसे जरूरी पॉइंट है, मोनेटाइज योर ऐप विद एड्स, अगर आप अपने एप्लीकेशन से पैसा कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एड, यहाँ पर नो एड्स लिखा हुआ है, इसको आपको एड चूज करना है। अगर आपके पास कोई कस्टम जावास्क्रिप्ट कोड है जिसे आप डालना चाहते हैं तो इसे चूज कीजिए। अगर आपके पास गूगल एडसेंस का ऐड है तो ऐड मोड आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। फिलहाल मैं इसको नो एड्स रहने देता हूँ। सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर हाइड पासवर्ड प्रोटेक्ट योर ऐप, अगर आप अपने एप्लीकेशन पर पासवर्ड प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं और हाइड रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको $2 प्रति महीने चार्ज लगेगा। और यहाँ पर आप क्लिक करके हाइड सीक्रेट पासवर्ड और लॉगिन पेज मैसेज लिख सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं अनमार्क करता हूँ। सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब रेडी टू पब्लिश, यू आर डन, अब आपका एप्लीकेशन जो है पब्लिक पब्लिश करने के लिए तैयार है, लेकिन आगे और भी प्रोसेस है तो चलिए सेवन पब्लिश पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो लेफ्ट साइड में है, ये जो मैंने अभी एप्लीकेशन बनाया है ये इस तरीके का एप्लीकेशन है जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और ये है मेनू। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये बोल रहा है कि अगर आप जो है कुछ एडिट करना चाहते हैं यहाँ से नो टेक मी बैक टू एडिट पर क्लिक करके वापस जा सकते हैं। अगर वापस आप कभी एडिट करना चाहते हैं तो इसको यस ही रहने दीजिए, अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं तो इसको नो कर दीजिए, लेकिन अगर आप बाद में एडिट करना चाहेंगे तो उसके लिए यस करिएगा, इसको अनमार्क नहीं कीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसको रेडी टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपको पैकेज के बारे में बता रहा है। पहला है ये मोबाइल वेबसाइट, ये मोबाइल वेबसाइट है जहाँ पर आप जो है आपका वेबसाइट आपका एप्लीकेशन सिर्फ मोबाइल वेबसाइट पर HTML फाइल पर ये होएगा पब्लिश होएगा, ये फ्री रहेगा हमेशा के लिए। तो ये जो है इससे ये फ्री है। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है ऐप बेसिक है, ऐप बेसिक में आपका एप्लीकेशन ये ऐप मेकर के स्टोर में और HTML फाइल इन दोनों पर आपका एप्लीकेशन पब्लिश होएगा, इसको आपका $24 प्रति महीने इसका चार्ज लगेगा।
इसके बाद तीसरा ऑप्शन है मार्केट। ये जो मार्केट है इसमें जो है अगर आप अपने एप्लीकेशन को एप्पल स्टोर पर एप्पल में और ये एंड्रॉइड के प्ले स्टोर में पब्लिश करना चाहते हैं तो इन दोनों स्टोर को पब्लिश करने के लिए आपको $10-10 का चार्ज लगेगा। और अगर आप $99 प्रति ईयर का अगर आप लेते हैं ये पैकेज तो आपका इन पांचों और 10 अदर मार्केट पर आपका सभी एप्लीकेशन ये पब्लिश होएगा। इसका आपको $99 प्रति साल हर साल का चार्जेस लगेगा। इसके बाद आता है रिसेलर 10 पैक। ये जो रिसेलर 10 पैक होता है ये होता है कि आप जो है क्लाइंट बन अपने क्लाइंट मतलब कि आप पब्लिशर बन के आप डेवलपर बन के दूसरों का एप्लीकेशन आप बना के उन्हें दे सकते हैं। इसका आपको जो है ये अनलिमिटेड एप्स अनलिमिटेड डाउनलोड और अनलिमिटेड एडिट आपको मिलेगा इसमें। और इसका चार्जेस आपको $39 प्रति महीने का आएगा। हर महीने $39 का चार्ज रहेगा। और इसके बाद भी आईट्यून और गूगल पर अलग से चार्जेस लग सकता है। तो ये जो रिसेलर 10 पैक है इसमें आप जो है डेवलपर बन के दूसरों का एप्लीकेशन बना के उन्हें दे सकते हैं। तो ये जो है ये पैकेज के बारे में है जिसे आप चूज कर सकते हैं। ये इसलिए है कि अगर आप एप्लीकेशन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन को एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर पर पब्लिश करना होगा। ये सब उसके चार्जेस हैं। इसके बाद एड ऑन्स आता है। एड ऑन सिक्योर ऐप मालवेयर सिक्योर ऐप पोर्नोग्राफी और मोनेटाइजर ऐप। अगर आप जो है अपने एप्लीकेशन को सिक्योर बनाना चाहते हैं ताकि वो कोई हैक ना कर सके या फिर कोई वायरस ना आए तो उसके लिए आपको $60 हर साल का देना पड़ेगा। या आप चूज कर सकते हैं। ये दूसरा है सिक्योर ऐप पोर्नोग्राफी। ये जो है आपका ये सेक्सुअल कंटेंट से सेफ रखेगा आपके एप्लीकेशन को। इसका भी चार्जेस $60 प्रति साल का है। और ये मोनेटाइजर ऐप अगर आप ये जो अभी मैंने बताया ये उसका है। अगर आप एड मोब या कस्टम जावास्क्रिप्ट ऐड लगाना चाहते हैं तो उसका $24 हर साल का लगेगा। इसके बाद है कंफर्मेशन। सब कुछ होने के बाद प्रीमियम एनुअल प्लान यहाँ पर आपको बताया हुआ है आप इसे देख लीजिए $99 हर साल का लगेगा। तो ये सब यहाँ पर चूज करने के बाद लास्ट स्टेप है पब्लिश माई ऐप नाउ। इस पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो जाए पब्लिश कर दिया जाएगा। तो फिलहाल मैं तो पब्लिश नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मैं एक बार जो है आपको और बताना चाहूंगा कि रेडीमेड टेम्पलेट पे आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में। यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू ऐप पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर नाम मैंने डाला नहीं डाल सकते हैं बाद में। ये जो है रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जैसे कि मैं अगर आप इसका एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या फिर ये स्मॉल बिजनेस है आप इसके बारे में बनाना चाहते हैं तो आप जो है सीधा इसको चूज कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एप्लीकेशन का नाम नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। ये देखिए अब जैसे अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जो है सीधा इसको स्मॉल बिजनेस करके लिखा हुआ है इस टेम्पलेट को आप चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए वो पहले से ही ड्रैग एंड ड्रॉप रहेगा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये देखिए ये इस तरीके से रहेगा। ये देखिए ये इस तरीके से इसमें पहले से ही ऑलरेडी इसमें ऐड रहेगा जैसे वेबसाइट ब्लॉग ट्विटर वीडियो न्यूज फोटो कॉन्टेक्ट डायरेक्शन कैलेंडर कस्टम ये सब जो है इसमें पहले से ही ऐड हुआ है। तो आपको जो है इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको जो है इसमें से ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने का बहुत कम रहेगा जिसमें ज्यादातर कॉमन चीजें इसमें पहले से ही ऐड रहती हैं। सिर्फ जिसको आप चाहें उस पर क्लिक करें और यहाँ पर जो है आप अपना URL लॉगिन हो गया आपका। तो ये जो है ये रेडी टेम्पलेट का फंक्शन है। बाकी आगे का प्रोसेस सब कुछ वही है। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से बिना किसी कोडिंग के आप जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।